मोदी जी ने 2019 में ही हम सब का मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों ने बनाए हुए जितने भी कानून जिस विभाग में है सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा विचारणा और सोच विचार करकर इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से ये प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी चालू हुई। ढेर सारी कंसल्टेशन की प्रक्रिया इसके लिए हुई है। माननीय मैं आपको बताना चाहता हूं, हर जगह पे व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। मैंने अगस्त 2019 में ही देश के सारे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, सर्वोच्च अदालत के सारे न्यायाधीशों को लिखा था, देश की सारी लॉ यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा था, 2020 में थोड़ी बेस बनने के बाद सारे सांसदों को लिखा, सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, सारे राज्यपालों को लिखा, संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों को लिखा और ढेर सारे कंसल्टेशन के बाद ये प्रक्रिया आज कानून बनने में सफल हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है कि बेज बरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिमत समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति 2011, 2005, 2006 इसकी रिपोर्ट 111वीं, 110वीं, 146वीं ये सारी रिपोर्टों का बृहद संकलन कर सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसद और सभी न्यायाधीशों से, हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और लॉ यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे प्रस्तावों को, सारे सुझावों को कंसीडर कर लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर ये विधेयक लेकर मैं आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाईकोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर कराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूँ ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। माननीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC के को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी, 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी, 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की।